ये सारे मसाले को पीस कर रख लीजिए। और इस तरह से देखिए आलू को हमने काटा है, इस तरह से काट कर आलू को रख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक देंगे और थोड़ा सा पीसा हुआ मसाला जो अभी दिखाया था हमने। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, अच्छा से मैश कर लेंगे। देखिए इसको अच्छा से मैश कर लिया है। अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसमें थोड़ा सा बेसन देंगे और इस तरह से टॉस करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर देंगे, इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। एक कोडिंग हो जाना चाहिए। अब तेल हमारा गरम है, इसको फ्राई करेंगे। सारा एक साथ में ही दे करके फ्राई कर लेना है। देखिए फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें देना है मेथी और थोड़ा सा राई और पिसा हुआ मसाला, थोड़ा सा हल्दी देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें नमक दे देंगे, मसाला आधा भून चुका है, आधा और भूनना है। देखिए मसाला हम अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें टमाटर डालेंगे, जितना आलू है हमारा उतना ही टमाटर भी लेंगे। इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे, टमाटर को गलाना नहीं है। तो देखिए भून चुका है अब टमाटर। अब इसमें पानी डाल देंगे 1.5 गिलास। पानी में उबाल आते ही डालेंगे आलू को और ढक देंगे 2 मिनट के लिए, 1 उबाल आने तक। 2 मिनट हो चुका है तो देखते हैं। वाह कितना अच्छा बना है ये, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, एक बार बनाइए और खाइए। देखिए हम दिखा रहे हैं, आलू भी पक चुका है तो रेडी हो गया। अब आपके लिए लग गई है थाली, तो खाइए और बताइए कैसा लगा टमाटर आलू की ये सब्जी।